नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 4 जून, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पटना हाई कोर्ट ने ट्रांसलेटर और ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर के लिए निकाली भर्ती। केवाईसी धोखाधड़ी से सुरक्षित रहने के लिए बिहार पुलिस ने शेयर की ये पोस्ट। आज सुबह 8 बजे से मतों की गिनती होगी शुरू। यात्रियों की सुविधा के लिए पूर्व मध्य रेल के 43 स्टेशनों पर लग रही है मशीन। हाईवे पर चार पहिया चलाने वालों के लिए बड़ी खबर। क्रिकेट के स्टार बल्लेबाज ने अपने संन्यास का किया ऐलान। अब चले बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना हाईकोर्ट ने ट्रांसलेटर और ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर के लिए निकाली भर्ती। पटना हाईकोर्ट ने ट्रांसलेटर और ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर के लिए भर्ती निकाली है। ये भर्ती कुल 80 पदों पर निकाली गई है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट patnahighcourt.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 जून है। इस भर्ती के आवेदन के लिए आपसे 1500 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में लिए जाएंगे। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवार ने इंग्लिश में ग्रेजुएशन पूरा किया हो, साथ ही कंप्यूटर में 6 महीने का डिप्लोमा भी होना चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। आज सुबह 8 बजे से मतों की गिनती होगी शुरू। लोकसभा के चुनाव खत्म होने के बाद आज मतगणना की तैयारी शुरू है। आज प्रदेश के 44 मतगणना केंद्रों पर सुबह 8 बजे से मतों की गिनती शुरू कर दी जाएगी। बनाए गए सभी केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था 3 परत का चाक चौबंद किया गया है, जिसमें सभी अलग अलग स्तर के सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। इसमें पहली पंक्ति में केंद्रीय सुरक्षा बल रहेंगे, दूसरे में BSAP या जिला पुलिस बल के जवान और तीसरे में स्थानीय और जिला बल के जवानों की मिलीजुली तैनाती देखने को मिलेगी। ये सभी मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के साथ ही EVM की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। 8 जून से स्कूल खुलने के बाद अब प्रधानाध्यापक भी लेंगे क्लास। अधिक गर्मी को देखते हुए सरकारी स्कूलों को 8 जून तक बंद करने के निर्देश दिए गए थे। 8 जून को स्कूल खुलने के बाद सभी स्कूल के प्रधानाध्यापक हर रोज क्लास लेंगे। क्लास लेने के बाद इसकी रिपोर्ट वे शिक्षा विभाग को देंगे। इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया है कि हर दिन देखा जा रहा है कि प्रधानाध्यापक स्कूल के कागजी काम में ही फंसे रह जाते हैं। वे पढ़ाने का काम नहीं कर पाते हैं। अब प्रधानाध्यापक अपने कार्यों का बंटवारा शिक्षकों के बीच करेंगे, ताकि क्लास में पढ़ाने के लिए प्रधानाध्यापक को भी समय मिल सके और वे क्लासेस ले सके। जब प्रधानाध्यापक पढ़ाएंगे तो शिक्षकों में भी पढ़ाने का एक अलग उत्साह होगा। यात्रियों की सुविधा के लिए पूर्व मध्य रेल के 43 स्टेशनों पर लग रही ये मशीन। पूर्व मध्य रेल के 43 स्टेशनों पर 127 ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन लगाए गए हैं। ये कार्य यात्रियों की सुविधा को देखते हुए किया गया है। आपको बता दें कि दानापुर मंडल के 13 स्टेशनों पर 38 टिकट वेंडिंग मशीन लगाए गए हैं। समस्तीपुर मंडल के 9 स्टेशनों पर 29 ऐसे मशीन लगाए गए हैं। इसके अलावा सोनपुर मंडल के 8 स्टेशनों पर 24 मशीन लगे हैं। DDU मंडल के 6 स्टेशनों पर 18 मशीन लगाए गए हैं और धनबाद मंडल के 7 स्टेशनों पर 18 मशीन लगाए गए हैं। साथ ही पूर्व मध्य रेल के अन्य 40 स्टेशनों पर इस मशीन को स्थापित किया गया है। इस मशीन के लगने से अब यात्रियों को काउंटर पर टिकट के लिए लंबी कतार में नहीं लगना होगा, जो यात्रियों के लिए अधिक सुविधाजनक होगी। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे दरभंगा जिला के बारे में। दरभंगा बिहार के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। इसकी दूरी नेपाल से 50 किलोमीटर तक की है। इसे मुख्य रूप से बिहार की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। दरभंगा शहर का नाम 2 शब्दों के मिलने से बना है, द्वार तथा बंगा, जिसमें द्वार का अर्थ है दरवाजा और बंगा का मतलब है बंगाल, यानी कि बंगाल का दरवाजा या प्रवेश द्वार। दरअसल प्राचीन समय में दरभंगा मिथिला का एक महत्वपूर्ण नगर हुआ करता था, जो गंगा नदी और हिमालय की तलहटी में स्थित था। यहाँ की मिथिला पेंटिंग पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में मिथिला के पारंपरिक लोक नृत्य शैलियाँ या उस समय काफ़ी लोकप्रिय थीं, जो आज भी नटवा नौटकी, नटवा नाच तथा समा चकेवा के रूप में जीवंत हैं। यहाँ जाकर आपको सदियों के समृद्ध लोक कला और परंपरा तथा धार्मिक स्थलों के बारे में काफ़ी जानकारी मिलेगी। जमुई की निशु ने माउंट एवरेस्ट पर फहराया तिरंगा। बिहार के जमुई की पर्वतारोही निशु ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा लहराया है। इन्होंने 11 दिन की चढ़ाई में माउंट एवरेस्ट के 26,200 फीट तक की ऊंचाई को पूरा किया है।
आपको बता दें कि इससे पहले भी निशु ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं, इसके लिए वे सम्मानित भी की जा चुकी हैं। इससे पहले भी वे 5 से 6 हजार मीटर तक की चढ़ाई कर चुकी हैं। निशु जमुई के बरहट प्रखंड की रहने वाली हैं। इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर झंडा फहराते समय वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे भी लगाए। मालूम हो कि माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊँची चोटी है जो नेपाल में स्थित है। 45 घंटे तक ध्यान में लगे रहने के बाद पीएम मोदी ने साझा किया अनुभव। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद पीएम मोदी 30 मई को तमिलनाडु के कन्याकुमारी गए थे, जहां उन्होंने 45 घंटे तक ध्यान लगाया। दिल्ली आते वक्त ध्यान के दौरान पीएम मोदी के अनुभव कैसे थे, इसका जिक्र उन्होंने पत्र में किया है। पत्र के जरिए पीएम मोदी ने कहा है कि 3 दिन तक कन्याकुमारी से आध्यात्मिक यात्रा के बाद मैं दिल्ली जाने के लिए हवाई जहाज में आकर बैठा हूं। आगे उन्होंने बताया कि एक असीम ऊर्जा का प्रभाव स्वयं में महसूस कर रहा हूं। 2024 के चुनाव में वाकई कितने सुखद संयोग बने हैं। मुझे कन्याकुमारी में भारत माता के चरणों में बैठने का अवसर मिला। उन शुरुआती पलों में चुनाव का कोलाहल मेरे मन मस्तिष्क में गूंज रहा था। रैलियों में रोड शो में देखे हुए अनगिनत चेहरे मेरी आंखों के सामने आ रहे थे। केवाईसी धोखाधड़ी से सुरक्षित रहने के लिए बिहार पुलिस ने शेयर किया ये पोस्ट। केवाईसी संबंधित इन दिनों कई धोखाधड़ी देखने को मिल रहे हैं। अब इसी धोखाधड़ी को देखते हुए बिहार पुलिस ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ पोस्ट शेयर किए हैं, ताकि लोगों को सतर्क किया जा सके। इस पोस्ट के जरिए बताया गया है कि केवाईसी सत्यापन वाले SMS और कॉल से सावधान रहें। अभी भी SMS और कॉल पर व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें। KYC पूरा करने के लिए कभी भी कोई ऐप डाउनलोड ना करें। समस्या के स्थिति में अपने बैंक शाखा में संपर्क करें। एग्जिट पोल पर सोनिया गांधी का बयान। चुनाव के नतीजे आने से पहले NDA और इंडिया गठबंधन दोनों ही अपने अपने जीत का दावा कर रहे हैं। अब इसी बीच एग्जिट पोल को लेकर सोनिया गांधी का रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमें अभी इंतजार करना होगा, हमें पूरी उम्मीद है कि नतीजे एग्जिट पोल के बिल्कुल उलट रहने वाले हैं। वहीं एग्जिट पोल को लेकर राहुल गांधी ने कहा था कि एग्जिट पोल नहीं बल्कि मोदी पोल है। आपको बता दें कि कई एग्जिट पोल द्वारा ये दावा किया गया है कि BJP के नेतृत्व में NDA की फिर से वापसी हो सकती है, लेकिन विपक्ष द्वारा एग्जिट पोल के नतीजे को नकारे जा रहे हैं। नेशनल हाईवे पर चार पहिया चलाने वालों के लिए बड़ी खबर। चार पहिया वाहन चलाने वालों के लिए इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल अब इन पर टोल टैक्स का बोझ पहले से ज़्यादा होने वाला है। देश भर में NHAI ने टोल टैक्स में 5% की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि 1 अप्रैल से ही नेशनल हाईवे यूजर्स फीस का वार्षिक संशोधन होने वाला था, लेकिन चुनाव की वजह से ये तिथि टाल दी गई थी। यदि आप भी टोल प्लाजा की नई दरें देखना चाहते हैं तो NHAI की वेबसाइट पर या इसके मोबाइल ऐप पर इसकी नई दरें देख सकते हैं। वंदे भारत को लेकर हाजीपुर डिवीजन को मिले 200 करोड़ रुपए। वंदे भारत आने के बाद रेलवे से यात्रा करने वालों की रुचि और भी बढ़ गई है। बिहार में भी आज के समय में कई वंदे भारत का संचालन किया जा रहा है। वंदे भारत ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या भी अच्छी खासी देखने को मिलती है। अब इसी कड़ी में बिहार से चलने वाले वंदे भारत को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। इस नए फैसले के तहत हाजीपुर डिवीजन को 200 करोड़ रुपये की सौगात दी गई है। 200 करोड़ रुपए की इस सौगात से यात्रियों का वंदे भारत से सफर पहले से और बेहतर और सुविधाजनक होगा। पटना से चलने वाली वंदे भारत ट्रेनों के बेहतर मेंटेनेंस के लिए दानापुर मंडल के पाटलिपुत्र स्टेशन के समीप कोचिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण की स्वीकृति रेलवे बोर्ड द्वारा दी गई है, जिसके निर्माण पर लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत आने की संभावना है। गया में कमांडेंट अवार्ड सेरेमनी में नवाजे गए ऑफिसर्स। जेंटलमैन कैंडिडेट्स 8 जून को पासिंग आउट परेड गया ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में होने वाले हैं, जिससे 120 नए होनहार जाबाज सैन्य अफसर देश को मिलेंगे। परेड में इससे पहले साल भर में अलग अलग फील्ड में ट्रेनिंग के दौरान अच्छा प्रदर्शन करने वाले जेंटलमैन को अवार्ड देकर सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड समारोह गया के पहाड़पुर स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में था। इस समारोह में कैंडिडेट्स को विभिन्न प्रकार के मेडल से गया OTA के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह मिन्हास ने सम्मानित किया। साथ ही पास आउट होने वाले ऑफिसर्स को शुभकामनाएं भी दी गई। शिक्षकों के स्कूल के समय में हुआ बदलाव। 8 जून तक सरकारी स्कूल में बच्चों को छुट्टी दे दी गई है, लेकिन शिक्षकों को आना अनिवार्य कर दिया गया है। अब इसी बीच शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के स्कूल के समय में परिवर्तन किया गया है। इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि वर्तमान में 8 जून तक स्कूलों में कक्षाएं स्थगित हैं।
लेकिन शिक्षक स्कूल आते रहेंगे। इसमें शिक्षकों को स्कूल छोड़ने के समय में परिवर्तन किया गया है। नया आदेश के मुताबिक शिक्षक सुबह 6 बजे स्कूल आएंगे और दोपहर 12 बजे तक स्कूल में रहेंगे। पहले शिक्षकों को दोपहर 1:30 बजे तक स्कूल में रहना अनिवार्य था, लेकिन अब शिक्षकों को इसमें राहत दे दी गई है। अब बच्चे स्कूल आते थे तो 1:30 बजे तक मिशन दक्ष के लिए कक्षाएं चलती थी, लेकिन अब कक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं, तो शिक्षकों के स्कूल में रहने का समय 12 बजे तक कर दिया गया है। सालों से खाली पड़े सुशांत सिंह राजपूत के बंगले में अब इस एक्ट्रेस की हुई एंट्री। सुशांत सिंह राजपूत की 14 जून को चौथी पुण्यतिथि है। सुशांत सिंह राजपूत जिस फ्लैट में रहते थे, इन दिनों वो फ्लैट काफी चर्चा में है। दरअसल सुशांत की मृत्यु के बाद से उनका फ्लैट खाली पड़ा था, लेकिन अब इसे 5 सालों की लीज पर अदा शर्मा ने ले लिया है। आपको बता दें कि अदा शर्मा द केरल स्टोरी से काफी प्रसिद्ध हुई थी। अब सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट में शिफ्ट होने के बाद अदा शर्मा का बयान सामने आया है। एक्ट्रेस ने बताया है कि जब वे शिफ्ट होने के लिए यहाँ आने वाली थी, तब कई लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन अब वे यहाँ शिफ्ट हो चुकी हैं। यहाँ आने के बाद उन्हें काफ़ी पॉजिटिव वाइब मिल रहे हैं। बाढ़ से बचाव के लिए सरकार कर रही है तैयारी। बिहार को बाढ़ से बचाव के लिए राज्य सरकार द्वारा तैयारी की जा रही है। इस तैयारी के तहत नई स्ट्रैटेजी बनाई गई है। इस नई स्ट्रैटेजी के तहत तटबंधों की 3 कैटेगरी बनाई गई है। इसी आधार पर तटबंधों की मरम्मत की जाएगी और कटाव को रोका जाएगा। संबंधित अभियंताओं को जल संसाधन विभाग ने संबंध में गाइडलाइन जारी किए गए हैं। बाढ़ अवधि के दौरान तटबंधों की निगरानी करने के साथ ही तत्काल मरम्मत के लिए मोबाइल एम्बुलेंस भी उपलब्ध रहेंगे। तटबंधों पर अनावश्यक दबाव ना बने, इसके लिए हाइड्रोक्लोरिक का इस्तेमाल किया जाएगा। इस दिन जारी होगा नीट का रिजल्ट। स्नातक स्तरीय राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट यूजी 2024 का रिजल्ट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA जारी करने वाला है। आपको बता दें कि नीट यूजी की परीक्षा 5 मई को आयोजित हुई थी और अब इसका रिजल्ट 14 जून 2024 को जारी किया जाएगा। जब भी NTA द्वारा रिजल्ट जारी किए जाएंगे तो उसे exams.nta.ac.in/neet पर घोषित कर दिया जाएगा। जब नीट के रिजल्ट की घोषणा हो जाएगी तब अपने एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ की मदद से अभ्यर्थी अपने नीट रिजल्ट को चेक कर सकेंगे। रिजल्ट की घोषणा नीट परीक्षा के फाइनल आंसर के साथ ही साझा की जाएगी। बिहार के कई जिलों में आज है बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले 1 से 2 दिनों में बिहार में मॉनसून का प्रवेश देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि बिहार में मॉनसून के प्रवेश लेने की तारीख 10 जून है, लेकिन उससे पहले ही बिहार में मॉनसून का प्रवेश देखने को मिल सकता है। आज प्रदेश में अधिकतर जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। आज प्रदेश में अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं प्रदेश में न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का किया दावा। लोकसभा सीटों पर बिहार कांग्रेस का बयान सामने आया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने दावा करते हुए कहा है कि बिहार में कांग्रेस को 7 लोकसभा सीटों पर जीत मिलेंगी। राजद को 12 से 13 और वाम दलों को 3 से 4 सीटों पर जीत मिलने की बात कही गई है। बिहार में इंडिया गठबंधन को 22 से भी अधिक सीटों पर जीत मिलने जा रही है। आगे उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की केंद्र में सरकार बननी तय है। पूरे देश में इंडिया गठबंधन 295 सीटों पर जीतेगा। राहुल गांधी द्वारा एग्जिट पोल को मोदी पोल कहने पर सम्राट चौधरी का बयान। आज लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे, लेकिन चुनाव के रिजल्ट आने से पहले कई एग्जिट पोल जारी किए गए हैं। साथ ही राजनीतिक दलों द्वारा भी एक से एक भरकर दावे किए जा रहे हैं। अब इसी कड़ी में सम्राट चौधरी का बयान सामने आया है। उन्होंने राहुल गांधी द्वारा एग्जिट पोल को मोदी पोल बताने पर पलटवार करते हुए कहा है कि अब तो एग्जिट पोल की जगह एग्जैक्ट पोल सामने, इसमें कहां कोई दिक्कत है। राहुल गांधी को बस कुछ घंटे इंतजार करना चाहिए। जनता ने जो आशीर्वाद दिया है वो बिहार और देश के विकास के लिए दिया है। विकसित देश का सपना अगर किसी ने देखा है तो वो नरेंद्र मोदी ने देखा है। मनोज झा ने किया दावा, 25 से भी अधिक सीटें हासिल करेगी महागठबंधन। चुनावी रिजल्ट आने से पहले राजद की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। राज्यसभा सांसद मनोज झा ने दावा करते हुए कहा है कि बिहार में हम लोग 25 से अधिक सीटों पर जीत हासिल कर रहे हैं। एग्जिट पोल में जिसने करोड़ों कमाए हैं उन्हें कमाने दीजिए, मुझे इस बारे में कुछ नहीं बोलना है। उसके बाद 4 जून को सब कुछ साफ हो जाएगा। हर चरण की मतगणना के बाद जब तक सारे कैंडिडेट खुद को संतुष्ट ना मान ले और जब तक सबकी सहमति ना मिल जाए तब तक हमें दूसरे चरण में नहीं जाना है। वहीं EVM में धांधली को लेकर उन्होंने कहा कि इस बार किसी का कुछ नहीं चलने वाला है। इस बार किसी भी धोखाधड़ी या किसी भी बड़े लोगों का फोन ही क्यों ना आया हो, कुछ भी पलटने वाला नहीं है।
क्रिकेट के इस स्टार बल्लेबाज ने अपने संन्यास का किया ऐलान। T20 वर्ल्ड कप का आगाज शुरू हो चुका है। अब भारतीय टीम अपने अभियान का आगाज भी 5 जून से करेगी। इस दिन भारत आयरलैंड के खिलाफ मैच खेलेगी। युवा खिलाड़ियों को इस मेगा इवेंट में मौका मिलने वाला है। भारतीय सिलेक्टर्स युवा खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं, जिस वजह से पुराने और अनुभवी प्लेयर्स के लिए भारतीय टीम में संभावनाएं कम होती जा रही हैं। अब इसी बीच भारतीय टीम के स्टार बैटर रहे केदार जाधव ने भी अपने एक्स प्लेटफॉर्म के जरिए अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया है। इस दौरान केदार जाधव ने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। कई कारणों से दर्ज है भारत इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1857 में लखनऊ में बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। आज के दिन वर्ष 1959 में सी राजगोपालाचारी ने स्वतंत्र पार्टी बनाने की घोषणा की थी। आज के दिन वर्ष 1904 में भरत पूरन सिंह का जन्म हुआ था। ये पेशे से एक भारतीय प्रकाशक और पर्यावरणविद थे। आज के दिन भारतीय अभिनेत्री नूतन का वर्ष 1936 में जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1947 में भारतीय अभिनेता अशोक सराफ का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1946 में बाल सुब्रमण्यम का जन्म हुआ था। ये पेशे से एक भारतीय पार्श्व गायक थे। आज की वायरल खबर में हम बात करेंगे ग्रामीण विकास मंत्रालय से जुड़ी इस खबर के बारे में। ग्रामीण विकास मंत्रालय से जुड़ी एक खबर वायरल हो रही है। दरअसल एक फर्जी वेबसाइट द्वारा दावा किया जा रहा है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, जिसका पंजीकरण के लिए ₹1680 देने होंगे। लेकिन आपको बता दें कि इस वायरल हो रहे खबर में जिस वेबसाइट की चर्चा की गई है वो मंत्रालय से जुड़े नहीं है। ये खबर पूरी तरह से फर्जी है। इस खबर को PIB फैक्ट चेक ने भी अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है, जहां इसे पूरी तरह से फर्जी बताया गया है। इसलिए इस तरह की खबरों पर विश्वास करने से बचें। अब इंस्टाग्राम पर रील्स देखने वालों का मजा होगा किरकिरा। इंस्टाग्राम पर कई ऐसे यूजर्स हैं जो रील्स देखते होंगे। आजकल लोगों को रील्स देखना काफ़ी पसंद भी आ रहा है, लेकिन अब रील्स देखने वालों का मजा किरकिरा हो सकता है। दरअसल अब इंस्टाग्राम एक नया फीचर लेकर आने वाला है। ये नया फीचर एड ब्रेक फीचर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंस्टाग्राम इन दिनों एक नए फीचर पर काम कर रहा है। इस फीचर के रोल आउट होने के बाद यूजर्स को रील देखते वक्त विज्ञापन यानी ऐड भी दिखाया जाएगा। ये बिना स्किप करने वाले ऐड होंगे, जिसे बिना देखे आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हालांकि फिलहाल इस बारे में इंस्टाग्राम जानकारी सामने लेकर नहीं आया है। पिछले 3 सालों में शेयर बाजार में रही सबसे तेजी। जारी हो रहे एग्जिट पोल के बीच सेंसेक्स और निफ्टी 3 जून को अपने नए उच्चतम स्तर पर बंद हुआ है। 2507 अंकों की सेंसेक्स में बम्पर उछाल आई है, तो वहीं 23263 के नए ऑल टाइम हाई पर निफ्टी बंद हुआ है। आपको बता दें कि पिछले 3 सालों में सेंसेक्स और निफ्टी में सबसे बड़ी तेजी देखने को मिली है, जिस वजह से एक दिन में शेयर बाजार के निवेशकों की संपत्ति 14,00,000 करोड़ रुपए बढ़ गई है। आपको बता दें कि सेंसेक्स ने दिन के कारोबार में 76,738.89 अंक का नया रिकॉर्ड बनाया है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे, उसका जवाब बताएंगे, जो कि BPSC बिहार पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे नए प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है, ये हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, चटगांव शस्त्रागार कांड के नायक कौन थे? ऑप्शन ए है गणेश घोष, ऑप्शन बी है चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन सी है सूर्य सेन, ऑप्शन डी है लाला हरदयाल। इसका सही उत्तर है सूर्य सेन। स्वतंत्रता आंदोलन में लतिका घोष ने किस संगठन की स्थापना व नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए है महिला राष्ट्रीय संघ, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय स्त्री सभा, ऑप्शन सी है नारी सत्याग्रह समिति, ऑप्शन डी है विमेंस एसोसिएशन ऑफ बंगाल। इसका सही उत्तर है महिला राष्ट्रीय संघ। भारत में सबसे पहले छपाई की मशीन किसने लाई थी? ऑप्शन ए पुर्तगालियों ने, ऑप्शन बी है फ्रांसीसियों ने, ऑप्शन सी है डच ने, ऑप्शन डी अंग्रेजों ने। इसका सही उत्तर है पुर्तगालियों ने। 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए है लोकमान्य तिलक, ऑप्शन बी है CR दास, ऑप्शन सी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी है RN मुथोलकर। इसका सही उत्तर है CR दास। चीनी यात्री ह्वेन सांग ने 625 ईस्वी से 640 ईस्वी तक किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? ऑप्शन ए है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी उदंतपुरी विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी है तक्षशिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी है नालंदा विश्वविद्यालय। इसका सही उत्तर है नालंदा विश्वविद्यालय।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है गुनर शर्मा, अनवर करीम खान, निवास राजीव कुमार, रवि कुमार राम, अपेंद्र कुमार, राम बाबू दास, साहिल यादव, बिरजू कुमार, प्रवेश कुमार, कमल कुमार, ओम प्रकाश कुमार, बिरजू कुमार, उमेश श्री सिदेव, अरविंद कुमार, अनवर करीम खान। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की, रात का सवाल है, आज चुनावी नतीजों की क्या परिणाम हो सकते हैं, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।